दोस्तों, बागेश्वर धाम के बहुत सारे वीडियोज आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में बागेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि बागेश्वर धाम क्या आखिर सच्चाई है क्या? अगर आपके मन में भी ये विचार है तो आपका ये विचार आज हम आपके मन से दूर करने वाले हैं। आज हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे, साथ में बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच भी बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक ऐसे ही बने रहिएगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम के चर्चे आज पूरे देश में है और पूरे देश में आज बागेश्वर मंदिर की चर्चा है। आज भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बागेश्वर धाम के बारे में नहीं जानता होगा। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कारों की आज इस देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी चर्चा है, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो आपको बता दें, बागेश्वर धाम के महाराज का पूरा नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के भक्त हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने मात्र 9 साल की छोटी उम्र में ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दी थी। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए ही पर्चे पर लिख देते हैं। वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है, उन्हें सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स वाले बागेश्वर महाराज जी और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने उल्टा मीडिया वालों की ही पोल खोल दी और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर वापस लौट आए। साथ ही बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद लेकर भी आए। बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी सरकार की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में बागेश्वर महाराज विदेशों की यात्रा भी कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उसकी झोली जरूर भरते हैं। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज भारत के कई जिलों और अन्य राज्यों में कथा करने और दरबार लगाने के लिए भी जाने जाते हैं, जहां कई बार बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा ले रहे थे कि तभी बागेश्वर महाराज जी की तरफ से उन पत्रकारों को चैलेंज दे दिया गया और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम भारत और विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिस वजह से महाराज ये सब बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई या सच ये है कि लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था और उसके उपरांत ग्राम गड़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गड़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वो राम कथा के साथ साथ झाड़ फूक का काम करने लगे और इस तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा। लेकिन कई बार यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिससे बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। बागेश्वर धाम महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को गड़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। लोग इन्हें बागेश्वर धाम और चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्णा बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन में ही रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने
वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वो गरीबी की वजह से अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसके बाद इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे इनके ऊपर बालाजी की कृपा होने लगी। आज ये अपने दिव्य दरबार में हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहाँ पर ये लोगों की समस्या का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्णा महाराज के प्रवचन सुनते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है, बल्कि आस्था से भरा हुआ एक पवित्र स्थान है, जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। क्या आपने आज से पहले श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी के बारे में इतना सब सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।